भाई साइड में ट्रैक्टर की गुड्डी कटा, ट्रैक्टर ये ले लू चला तो लिया पर भाई ऑफ रोडिंग के लिए ले भाई रहता हूँ मार दे इसमें स्टैम्प भाई सामान दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ इतनी महंगाई हो रही है ना भाई, बस पूछो ही मत यार। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई फाइनली भाई वो दिन आ चुका है जो अपनी फॉर्च्यूनर का नंबर था ना भाई, जो हम इतने दिन से उसका वेट कर रहे थे, फाइनली भाई वो आ चुका है। तो ये खड़ी भाई फॉर्च्यूनर, और इसका नंबर है जो अभी आया है ना वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो है भाई सरप्राइज। ठीक है, वहीं पे तुम्हें दिखाएंगे भाई, साफ सुथरी पूरी करके गाड़ी। और ये देख लो भाई, भाई टायर वायर सारे चमका दिए, वॉश नहीं किए, बस साफ किए भाई। देखो वॉश ज़्यादा करता नहीं हूँ इसलिए क्योंकि जो नई गाड़ी होती है ना भाई, ये ज़्यादा वॉश करनी नहीं चाहिए, नई गाड़ी नई बाइक। पता है क्यों? क्योंकि पानी होता है ना जो भाई, वो मतलब ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पे ना ग्रीस वगैरह जो चिकनाहट होती है ना उनको ख़त्म कर देता पानी धीरे धीरे, एकदम निकलता धीरे धीरे। तो नई गाड़ी या नई बाइक बहुत ज़्यादा नहीं धोनी चाहिए, साफ कर लेनी चाहिए, उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत है, धोने से थोड़ी ज़्यादा मेहनत है साफ करने में। ठीक है, और साफ कर लेनी चाहिए भाई नई गाड़ी। तो धोता कम हूँ साफ ज़्यादा करता हूँ, तो सारी गाड़ी साफ कर दिए, चमका दिए बिल्कुल। ठीक है, आज जा रहे भाई इसका नंबर लेने। इसका जो नंबर प्लेट है ना वो तो तुम्हें पता है कहाँ ही आई होगी, कहाँ ही आई होगी, वो आइए भाई अपना एजेंसी में, टोयोटा की जो एजेंसी है ना वहाँ पे पड़ी है भाई अपनी फॉर्च्यूनर की नंबर प्लेट। बट उससे पहले भाई मैं जा रहा हूँ एक बार जिम पे, डोडो और पहला उनके लिए खाना लेके, क्योंकि वो भूखे होंगे। फिलहाल टाइम हो रहा अपना 11 के समथिंग हो रहा होगा, चलते भाई मिलते तुम्हें। गेट लगा दो ले भाई, वो खड़ी अपनी स्प्लेंडर भाई, अपनी कल स्प्लेंडर में कहाँ होना था वो हुआ नहीं आज, है ना कल, सॉरी मेरी जीभ है ना जो थोड़ी वो हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, उल्टी पुल्टी हो रही है। ये खड़ी भाई अपनी स्कॉर्पियो। तो भाई घर ना एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ क्योंकि भाई मेरे को लेनी है स्प्लेंडर की चाबी, स्प्लेंडर की चाबी भाई इसलिए लेनी है क्योंकि मेरे को जाना है सैलून। ठीक है, गांव में ही अपने एक सैलून है, वहाँ पे भाई अपनी दाढ़ी वगैरह सेट करा हूँ भाई, बड़ी हो रही थोड़ी है ना, मुझे दाढ़ी बड़ी पसंद नहीं बिल्कुल तुम्हें पता है। तो एक बार चाबी ले आते हैं स्प्लेंडर की, फिर चलते हैं अपना सैलून। चलो भाई चाबी अपनी ले ली है, डोडो और बैला के खाने के ऊपर रखी चाबी, ये देखो रखी है ना। चलो कोई नहीं, तो थोड़ी थोड़ी स्प्लेंडर पर धूल जम चुकी है गाइस, वो डेली का काम है तो है ना, डेली जमती है। पर चलो कोई नहीं, इसको साफ़ कर देंगे, पर अभी नहीं करेंगे, इसको निकालो कैसे, वो लाइट जल रही है, इसको निकालो कैसे, पीछे स्प्लेंडर खड़ी है, चलो निकालते एक बार इसको निकाल लेते हैं। चलो भाई अभी ना उठा के थोड़ी साइड में करी थी, अरे यार ये तो भाई भारी काम है निकालना आज तो, मुझे लग रहा है निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, निकलगी निकलगी, अरे तेरी ये फाड़ेगा हैंडल, ओह बिगड़ तो गई भाई, देखो इतनी जगह से गाड़ी है। चलो इसको थोड़ी देर स्टार्ट करते हैं ना, अरे यार ये बार बार गिर रही है भाई, स्प्लेंडर की जो आगे से आवाज़ आ रही है ना लीकेज की, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, बहुत ही गंदी है, कान में छुपती है तो, अरे बंद होगी। आ रही है ना धीरे धीरे, इसका भाई बहुत जल्दी इलाज करेंगे यार, पैकिंग तो मैं लेके आ चुका हूँ, तुमने कल के व्लॉग में देखा भी होगा है ना। चलो चलते जिम पे ना भाई, अपना जिम पे पहुँच चुके हैं। बेला भाई पता नहीं क्या ढूंढ रही है, कोई इसे वो मिल गया, कॉकरोच वॉकरोच उसके पीछे भग रही। बेला आ जा, आ जा ले खाना ले आए तेरे लिए, आ जा। डोडो कहाँ भाई, डोडो नहीं दिख रहा है, डोडो मुझे लग रहा है भाई रूम में बंद कर दिया। हाँ वो भाई बाहर भग जाता है यार, वो कुत्तों उत्तों से घुस जाता है। अरे डोडो इधर ले भाई, डोडो इधर नहीं है गाइस, मुझे लग रहा है वो बाहर भाग गया भाई कहीं पे। ये यार इसका ना खतरा ही रहता है भाई, ये कुत्तों वगैरह को कुछ जाता है, तुमने देखा था ना कल के ब्लॉग में कैसे भगा था। डोडो डोडो नहीं दिख रहा यार। ले भाई भाई नहा दो के बिल्कुल हो चुके अपना सेट, और ये खड़े भाई अपनी आई टेन। ठीक है, आई टेन के सारे शीशे पता मैंने क्यों खोल रखे, सॉरी डोर इनके उतार रहा हूँ भाई मैं कटन्स, क्योंकि भाई चालान वालन ज़्यादा ही हो रही है आजकल, सख्ता ही हो रही बहुत तगड़ी, तो इसके चक्कर में मैं इसके उतार रहा हूँ, कभी पुलिस हमें पकड़ ले भाई, है ना। और भाई बात रही अपनी फॉर्च्यूनर की जो नंबर प्लेट है, मैं बता रहा था ना तुम्हें कि उनको हम लेके आएंगे, तो वो अपनी आ चुकी है, बट अभी तुम्हें उनको भाई नहीं दिखाऊंगा, वो थोड़ा ना वो है सरप्राइज। ठीक है, बट अभी का सीन भाई कुछ ऐसा है, पहले एक बार ना इनको उतार ही देता हूँ मैं, फिर तुम्हें तरीके से समझाऊँगा आराम से, है ना। अरे उतर जा यार, ले भाई उतर गए सारे, एक कितनी छोटी गाड़ी है ना, सच में यार बहुत छोटी है। चलो भाई तो सारे भाई अपने कटन्स उतर गए। तो गाइस सभी का सीन भाई कुछ ऐसा है, एक गाड़ी अपनी स्प्लेंडर, और स्प्लेंडर का नाम
एक टायर डिसाइड कर रहे हैं भाई, बहुत ही तकड़ा गुड्डी वाला टायर, ठीक है, ऑफ रोडिंग के लिए, क्योंकि भाई मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया, और अब से आगे ना भाई बारिश ही होगी, तुम्हें पता है इस चीज़ की, है ना। और बारिश के मौसम में भाई सबसे ज़्यादा मजा आते हैं ऑफ रोडिंग करने में, है ना। तो इसी चक्कर में भाई मैं कोई टायर सोच रहा हूँ जो अपनी स्प्लेंडर में मज़ा बांध दे, है ना, ऑफ रोडिंग में। तो अभी का जो टायर डल रहा है ना MRF का, ये भाई ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, है ना। इससे हम ऑफ रोडिंग करेंगे ना बिल्कुल मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि ये ना कुछ ग्रिप ही नहीं बनाएगा, है ना, क्योंकि इनमें कोई ग्रिप है ही नहीं, ये ऑफ रोडिंग के लिए टायर है ही नहीं, ये भाई अपना हाईवे के लिए और स्मूथनेस के लिए टायर है, जो साउंड वाउंड भी नहीं करते बिल्कुल, और बहुत बढ़िया चलती है ना बाइक, है ना। तो पता ये चीज़, तो पहले इसमें डल भी रखे थे भाई ऑफ रोडिंग के लिए टायर, वो बहुत ही अच्छे टायर थे, बट वो मैंने यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कोई अलग चीज़ यूज़ करने की, है ना, बढ़िया सी। तो अभी अपने मान भाई और संजू भाई आ रहे हैं, सीधा जा रहे हैं फरीदाबाद, वहाँ पे देखूँगा, बाटा पे जाऊँगा एक बार, वहाँ पे वो टायर देखूँगा मिल जाएगा तो। वैसे तो वो मुश्किल है भाई, वो टायर जो मैं सोच रहा हूँ वो रालगो कंपनी का टायर है ना, जो मैं सोच रहा हूँ, है ना। एक बार मैं स्क्रीन में ना साइड में तुम्हें फ़ोटो भी उसकी दिखा दूँगा। तो वो टायर है वो मैं लगाने की सोच रहा हूँ, बट दिक्कत एक हो रही है, कंपनी से वो टायर आता भाई 120 नंबर और मुझे चाहिए 100 90 18, ठीक है, थोड़ा पतला, क्योंकि जितना पतला टायर होता है ना उतनी ज़्यादा पावर और भाई पिकअप वगैरह बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोटा टायर हो जाता है उसमें भाई लोड बढ़ जाता है एक तरीके से, है ना, बाइक के लिए और ज़्यादा भारी हो जाता है वो टायर, क्योंकि उसका वेट बढ़ जाता है। तो एक बंदे लोग तो आ चुके हैं अपने, एक और रह रहा भाई, तो ये सीन है कुछ, ठीक है। i10 को लेकर जा रहे हैं भाई, बढ़िया एकदम गंदी हो रखी है वैसे, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, और भाई लुक कैसा लग रहा है भाई, भाई लुक बढ़िया लग रहे हैं आपके, अरे देख, धूप निकल रही है कोई, एक बार देख भाई बाल ऐसे है, गुंडे आदमी है, लग रही है ना। सुने ये सुहापी क्यों लेकर आया तू, धूप निकल रही है, ये भी गाइस हो, तुम भी गाइस हो मेरे, ठीक है। तो भाई मैं कुछ ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ अपनी बाइक का, जो टायर है ना इसमें कोई तगड़ी गुड्डी वाला टायर प्लान कर रहा हूँ, है, अरे वो मिलेगा नहीं, सॉरी ऐसे मतलब इजीली मिलेगा नहीं, वो ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, अपने मौसम हो रहे हैं बढ़िया, है ना, बारिश वाले, तो ऑफ रोडिंग करेंगे संजू भाई अपने, मौसम भी ठीक होगा, ब्लॉग बनाने लायक, है ना भाई। देखो जब बारिश होती है ना तो जमीन हो जाती है बिल्कुल गीली, और उसमें ही आता सबसे ज्यादा मजा ऑफ रोडिंग करने में, चले फिर। तो गाइस एक बार जाएंगे भाई बाटा पे, वहाँ पे एक बार ट्राई करेंगे, वो टायर मिल जाएगा तो भाई तुरंत ही ले लेंगे, और नहीं मिलेगा ना फिर वो ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। और चल हट जाओ, साइड में बैठो अपना, साइड में है क्या, ओ शिट मैन, वाओ ले भाई i10 कितनी नीची है यार, 2-3 दिन तो मैं स्कॉर्पियो चला रहा हूँ, पता तुझे ये चीज़ है, स्कॉर्पियो ऊंची ऊंची सी लगती है। हाँ होगी भाई स्टार्ट अपना i10 भाई, गाड़ी तो देख तगड़ी है उस्ताद, पर सीट थोड़ी नीचे कर रखी किसी ने, हो रही है देख, ऐसे होती है, और बड़ी गाड़ी होती है जो उनकी ना इलेक्ट्रिक होती है, वो ऐसे उठाओ अपने आप ऊपर हो जाती है, इसकी थोड़ी हैंडल से करनी पड़ती है, मैनुअल है क्योंकि। चलो भाई चले भाई फिर, और थारी ये कहा तू ऐसा लग रहा सूर्य फिल्म को ना, हाँ दानव कहा कहा रहा है नाम यादव सा नहीं लग रहा भाई, ये चश्मे लगा के और बाल करके कमेंट कर देना जरूर, वो चीज तो छोड़, एक सुहापी अपने नोतरी, अरे सुहापी उतार दो भाई, गाड़ी में सूरज घुस रहा है, स्प्लेंडर बाय बाय, वो खड़ी गाइस लायो बेचे कर दिया, चले भाई फिर, चलो भाई तो निकलते भाई, वैसे ना थोड़ी लेट हम टाइम हो रहा है, 1:34, ठीक है, एसी वैसे चला लो भाई, लाया भाई एसी चल गया, नहीं चला दबा फिर, बेश बेश बेश, चलो भाई अच्छा देख 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 कैसा खुश हो रहा, देख चुप ना बैठा जा रहा तू, करू बुद्धि ना हाल। बाटा पे भाई चेक करेंगे अपना वो टायर, भाई दुआ करो मिल जाए, है भाई, क्योंकि मैं ना बहुत ही एक्साइटेड हूँ उस टायर को डाल के और बाइक चलाने के लिए, क्योंकि उसकी जो गुड्डी है ना तुमने देख ली ना भाई, तुम हैरान हो जाओगे जब वो बाइक में डल के और बाइक चलेगी ना, एक तरीके से धरती फाड़ देगा वो तेरी कसम, इतनी ऊंची गुड्डी रहती है उसकी, तेरी कसम मैं संजूर का घर फाड़ूंगा, आता संजूर की छाती फाड़ूंगा, छाती संजू की छाती पे चलाऊंगा वहां लगा के टायर है, हां भाई संजू की छाती और संदूक शिकल दोनों फाड़नी है भाई, भाई वो की गुड्डी, चलो भाई वो है ना ऊपर, मैं पता हूं तो सच्ची वो टायर यहां
अरे वही तो मिलेगा नहीं, ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। पर वो है भाई कंपनी का, रालको कंपनी का टायर, वो नकली नहीं है। एक बात बता, जब तू पहले जो हमारी स्प्लेंडर में पहले गिर रहे टायर, वे भी ऑनलाइन आए। अरे थारी ये क्या आ गया सामने, आजा चाचा आजा तू। वो टाइम भी ना मिले अब कैसे, ये तो हमारी आई टेन के ऊपर का लिखड़ जाएगा, कुछ समझेगा ना, सोचेगा चैट आगे नीचे। तो भाई अपना पीछा कर लेना, बहुत ही अच्छा है। तो गाइस अभी ये जो तुम्हें बड़ी गाड़ी दिख रही है, बड़ी गाड़ी इसको भाई हाईवा बोलते हैं, इस छोटी गाड़ी को टकरा देती है अभी। इसकी जो साइड की वो है ना पीछे की, क्या हो गया नुकसान, शीशा टूट गया गाइस हमारा, ये दिख रहा तुम्हें, अरे हो जा, अरे नहीं हो रहा भाई, ये दिख रहा तुम्हें दाग दिख रहा है, ये भाई हमारा शीशा टूट चुका है गाइस, उल्ली कट दोगी बड़ी गाड़ी। चलो भाई फिर हम भी चलो भाई, भाई अब ना ये जो बारिश के मौसम चल रहे हैं इनमें तो आते थोड़े मजे है ना, और अभी जो 3 महीने गए हैं उन्होंने तो हमारी जिंदगी खराब ही कर दी बिल्कुल, है ना भाई, घर से निकलना बंद और अपने व्लॉग बंद। व्लॉग भी क्या करे भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ नॉर्मल कोई बंदा बाइक चला ही नहीं सकता, इतनी तगड़ी गर्मी थी, है ना भाई। अब जाके थोड़ा कंट्रोल हुआ भाई, जब ये अपना जून खत्म हुआ है ना, बारिश का मौसम सा हो रहा है, अब जाके कंट्रोल हुआ है। और हमारे गाँव में तो पता नहीं कैसे पापी बस रहे भाई, बारिश ही नहीं होने दे रहे, मौसम तो हो रहे एक तक चढ़ते पर बारिश नहीं होने दे रहे। अब होएगी दबा के, पापी खत्म हो गए, पापी कहाँ खत्म हो गए, पापी तो बैठे है भाई गाँव में अभी चुप, संजू भी बैठा होगा चुप, तू भी पापी है तू चुप बैठा भाई, तू कुछ बोल, अगर तू अच्छा इंसान हो तो बोलता हूँ। सही कह रहा भाई, बारिश होनी चाहिए, पापी मरने चाहिए, यानी कि संजू पापी है गाइस, मारो कमेंट अन्नी का भाई संजू। चलो भाई 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 थोड़ी इस पहाड़ को चढ़ के राहत मिलती है, इसके नीचे से जब चढ़ते हैं ना भाई, हम पहले गियर में गाड़ी चलती है, बस अब जाके सेकंड में लगी है, फिर लगेगी थर्ड में, फिर लगेगी फोर में, फिर फाइव, फिर जाएंगे भाई खच के। हट जा भाई गाय हट जा, कितना सुनसान रोड पड़ा है देखिए भाई, है तभी सोचो जितने बड़े सेलिब्रिटी भाई चश्मे लगा के व्लॉग बना हुआ है, लकी खूबी बात बताओ भाई। देख उनके दो रीजन है जो मेरे को भाई पता चले, कि जितने बड़े सेलिब्रिटी है और जितने बड़े भाई व्लॉगर से ये चश्मे लगा के भाई व्लॉग क्यों बनाते हैं, दो रीजन है। एक तो देख गाड़ी चलाने में थोड़ा भाई सही लगता है, जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ ठीक है, मजा आ रहा है सच में ही, थोड़ी ना लाइट है जो वो कंट्रोल में है, आंखों पे नहीं चुभ रही ठीक है। और दूसरा रीजन भाई ये उनका ना भाई व्लॉग बना बना के और रात में एडिटिंग कर करके ना उनके हो जाते हैं डार्क सर्कल, हकीकत बात है। इसी चीज के लिए वो लगा रखते हैं, जो डार्क सर्कल दिखे ना शक्ल बेकार दिखे ना, इसीलिए थोड़ा रिच पड़ो सा। अगर अगर ये बात नहीं है तो भाई कमेंट करके बता देना, यही बात है 100%, वरना किसी को पूछ भी लेना, सच बता रहा हूँ मैं रियल में। वो तो पूछ लेते ये बात दिमाग में, अरे तू तो तू पूरा डार्क हो पड़ो तेरा डार्क सर्कल का होएगे, तो ये भाई पूरा डार्क है ना भाई, मेरे भी हो जाते हैं डार्क सर्कल, पर चलो कोई नहीं, हम तो भाई छोटे व्लॉगर है यार, चल जाता है अपना भाई, अब बड़े बन गए अब छोटे ना भाई, सही है हम बहुत छोटे भी नहीं है बहुत बड़े भी नहीं है, अभी अभी कम है, है? ज्यादा दिन बड्डे बन जाएंगे उस दिन मिलेंगे आपसे, कि गाइस फिर कहेंगे माना भाई आज हम बड्डे वो बन चुके हैं सेलिब्रिटी, यस बड्डे व्लॉगर्स है संजू भाई, नाम भी और अभी तो बहुत नाम करना है गाइस, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है भाई, तरक्की देखी कहाँ है संजू कह रहा, तरक्की देखी कहाँ है, देखो अभी कुछ दिन में रुक जाओ, कंटिन्यू होने दो, एक बार ना गाड़ी है चलन दो भाई, टायर घुमाने दो ढंग से, अब टायर ही ना घूम रहे हैं, टायर घूमने से पहले पिंचर हो जाए, गायब हो जाए यार बीच से, मैं ना कोई चोरी करके ले जावे, अभी गाड़ी रूटीन पे आई नहीं है, आने दो एक बार फिर दिखाते हैं तुम्हें धीरे धीरे कंटिन्यू। चलो भाई तो मिलते भाई तुम्हें अपना फरीदाबाद में, बहुत सारी
बकचोदी हो चुकी है हमारी, है ना भाई, इसको करते खत्म, वरना तुम क्या उसे करवाई, इनमें बोर कर दी तुमने तो। तो पहुंचते वहीं पे तुम्हें दिखाते फिर हमें टायर मिलता है नहीं मिलता वो चीज भी वहीं दिखाएंगे तुम्हें, है ना भाई। तो भाई फरीदाबाद में अपनी एंट्री हो चुकी है, पर अभी भाई अपना पहले बाटा पर नहीं जा रहे, पहले जा रहा हूँ भाई मैं थोड़े कपड़े वपड़े लेने, क्योंकि मेरे को ना भाई थोड़े कपड़े लेने और ये शॉप पड़ रही है थोड़ी नजदीक, तो मैंने कहा भाई पहले कपड़े वपड़े ले लेते हैं भाई। भाई अपने पहुंच चुके किस सेक्टर, फरीदाबाद है भाई, यहाँ पे एक शॉप है जहाँ से हम कपड़े लेते हैं भाई। भाई धूप तो कैड़ी निकल रही है यहाँ पे, अपने गांव में तो भाई वो हो रहे थे बादल बढ़िया। भाई भाई पार्किंग वार्किंग, अरे दे दे स्कूटर लगा रहे आ जा तो उठ जाए, चल यहाँ पे यहाँ पे भी लगा रखी भाई। भाई कहाँ खड़ी करता है गाड़ी भाई, कहाँ खड़ी करता है गाइस, पार्किंग नहीं मिल रही हमको। हम ऐसे घूमते घूमते बाहर ही निकल जावे, यहाँ पे सही कह रहा। चलो भाई मिलेगी पार्किंग। तो भाई आगे खड़ी है अपनी स्कूटी, साइड कर दे थोड़ी सी हमारी गाड़ी लग जाएगी जो, हाँ बदमाशी दिखा दे मित्र है। कोई मान बाइक आगे एकदम पड़ा पड़ा दे दे, कैसा गाड़ी चिड़ रहा भाई, फिर क्या तो लगवाएगा ये एस्ट्रॉइड वेस्ट्रॉइड। सही है ना, वो कर ली भाई कमीज पसंद सही है, हाँ सही लग रही थोड़ी। और कितना तू शॉर्ट्स देख रहे अपने लिए गाइस, समझे भाई तू गा ले अच्छा पसंद है भाई। सही है गुल्लू कपड़ा तेरा भाई पसंद है, तेरा भाई की ये लग रही है ना, अरे फॉर्मल पैंट पे ज्यादा अच्छी लगेगी, है ना। अरे ये क्या कर रहा तू, देख 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 बुरी लग रही है, जम रहो भाई किस्म से का देख भाई, पैंट पे अच्छा लग रहा है भाई, होती ना ये पैंट ऐसे होती जैसे वाला अगले का सामने लो है, जैसे हम बार बार जान घूमने हमने सही है। चलो भाई पसंद है तेरे भाई के यार, बुरी कौन बता रहे ना, थोड़ा बैक वैक से यार तगड़े और चौड़ थोड़ा सा तो सारी तगड़ी है। कहा फायदा जो, अरे अभी तो और जिम कर रहे होते और चौड़े को थोड़ा, तो जिम छोड़ रही है, जिम जब होगी तब तो आएगी नहीं, बस तू ब्रो राशन उधेड़ रहा है ना, ओए राशन ही उधेड़ रहा जब ही तो मोटा ना हो रहा, पतला होगा ना पहले तो तेरा खाना लग रहा भाई यहां देख, मतलब जब कोई चीज आनी नो की पैर नो पे होने चाहिए करीब यार, जो पहले वाला ट्राई करी ना भाई वो बहुत ज्यादा टाइट थी यहाँ से, ठीक है इसकी फिटिंग बढ़िया पर एक कमी अच्छी लग रही है, बहुत बुरी लग रही है, बढ़िया लग रही तो वो अच्छी लग रही पहले वाली, है ना थोड़ा हटा वो सामने सही है, थोड़ा कॉलर सही कर कमर कितनी तेरी 25 है मेरे हिसाब से, जाके तो पहुंच भी ना बैठे नो पियो बीस पूरी 28 कितनी 11 ठीक 28 है तेरा मुंह मार रहा यहाँ पे
बिल हो रहा गाइस अपना, बिल मोटा हो गया है संजू भाई। और एक केजल सेट करना 850। ले भाई अपना भी गाइस शॉपिंग थोड़ी बहुत भाई, पर थोड़ी बहुत नहीं फाड़ दी अपनी है, महंगा पड़ गया गाइस थोड़ा। चलो भाई, तो भाई अपने कपड़े अपने ले लिए भाई, इतने से 5 पीस अपने, ठीक है। और 5 पीस पड़े भाई 6000 के। ये 2 शर्ट है और 1 टी शर्ट है अपनी ड्राई फिट की, और भाई एक अपनी पैंट है भाई कार्गो पैंट, 6000 के अपने हो गए। 6000 की चंटी गाइस लगी है भाई, कोई नहीं भाई चलो। अरे गाड़ी कहाँ खड़ी है हमारी? अरे गाड़ी गाड़ी भाई, गर्मी कितनी होगी रे उस्ताद। चलो भाई रखते हैं इनको भाई गाड़ी में, और अभी जाना भाई हमें सीधा बाटा पे, है ना, तुमसे बोला था ना भाई टायर देख के आएंगे, तो अब सीधा वहीं पे जा रहे हैं। ये रही गाड़ी अपनी आई टेन है। ये क्या लिख रहा है पीछे, क्या लिख दिया है? बिल। अरे बिल गिरे हम भाई, बिल तो फाड़ ही दे सारे। ओ स्क्रैच लग जाएगी शीशे पे। अरे दिख रहा भाई गुजर, ले भाई गुजर लिख रहा गाइस। हाँ भाई गाड़ी में आ चुके, गाड़ी हो रही गर्म, हीट होगी पूरी है भाई। चलो भाई भाई थोड़े ना कपड़े ज़्यादा महंगे पड़ गए, बट चलो कोई नहीं, पहनेंगे तो हम ही है भाई, कोई और तो नहीं पहनेगा ना, पानी में गेरे पाए। और टम्पो खड़ा भाई, गाड़ी कहाँ तो निकलेगी, निकल जाएगी है। मैं ये भाई टम्पू के जो कोने होते हैं ना भाई, इनकी ट्रॉली सी, इनसे डर लगता है। ये खुद तो होते भाई ठोस लोहे के, हमारी गाड़ी को ना डैश कर देंगे साइड में, डैश भाई फाड़ देंगे पूरी। चलो तो जल्दी से चलते भाई अपना सीधा बाटा पे, वही काम है अपने को है ना, एक टायर लेना है। टायर लेना क्या, लेना ही है भाई, टायर मिलेगा तो ले ही लेंगे, उठाई लेंगे टायर। ये मेरी गौ माता, ये भी मार्केट से निकल के आ रहे थे और मेरे को दिख गए भाई ये अपने बच्चों के छोटे छोटे पूल होते हैं ना जो, ये और ये मेरे को ना लेना था भाई बच्चों के लिए, घर के लिए। तो एक बार देख रहे भाई, इनके पास तो बड़े बड़े भी है, ये देख कितना बड़ा। क्या इसमें पानी भर रहा है? कितने ये कितने का है? 2500 रुपये का है ये, 2500 का। और ये सबसे बड़ा जो ये वाला भाई 5500 का है यार, मेरे पास था ऐसा पहले, इससे थोड़ा छोटा था वो। बता वो लेके संजू, ब्लू वाला लेके, वो बता क्या रेट देगा वो, सही लगा ठीक है मैं यार, तो बहुत देर। हाँ यही लिया मैं चीज़े गुड़गांव, गुड़गांव में भी बहुत मिलने के लिए हर जगह मिल जाएगा। मैं बता तो रहा हूँ कितने चाहिए तो बता। अरे अरे ये सही बैठे हुए हैं। तो गाइस ये वाला हमने सिलेक्ट कर लिया भाई, 800 रुपये का पड़ रहा है। वैसे तो भाई कह रहा था 1000 रुपये का, मैंने कहा भाई कर ले यार सही, तो कह रहा भाई 800 दे देना ठीक है, नया लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, इसमें मिट्टी वगैरह हो रही है और थोड़ा लीक भी हो सकता है भाई। पंप इसका है मेरे पास, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास ना ऐसे पहले था भाई एक, वो फोड़ दिया बच्चों ने, कोई लीक वगैरह तो नहीं होएगा ये पक्का, लग जाते हैं पंचर वगैरह हो जाते हैं। अच्छा यार मेरे पास ऐसा था, ले भाई ले लिया भाई, रखियो ले यार, खोल तो तू ओ यार दोस्ती बना रहा, कह रहा मेरे बिजनेस खुलवा दे ऐसे ही ये तो हर जगह बिजनेस बना हुआ है भाई, बैठ जाओ भाई बैठ जा, तू भी दुकान खोलेगा क्या? अरे लग गई खिड़की ऑटोमेटिक है, अरे खोल दे भाई रुक जा। ले भाई अपने भूख लग रही थी भाई, रुक जा मैं करूँगा रुक। अरे वाह उठा, सीट आगे नहीं हो रही। अरे वो उठा नीचे तय, अरे हैंडल सा वो ऊपर कर ले एक हाथ है, तो वाह उठा ले ऐसे कर कर देगा आगे को तो बस, और का सीट करने की है बस। अरे बहुत है इतनी, अरे ऐसा ही कह रहा है गाड़ी में बिखर गई, काटूंगा बहुत भाई गाड़ी मत बिखेर दे, वो मत करे अब। तो भाई खा पी के अपना हो चुके हैं बिल्कुल सेट, और निकल चुके हैं भाई अपने बाटा की तरफ, आगे एक और बाटा घूम रहा भाई, कभी हमारी गाड़ी बाटा बना दे भाई, अपना बस एक ही मिनट में पहुंचने वाले आज भाई, थोड़े दूसरे रास्ते से आ रहे तो ये रूट पे पड़ रहा था, मैंने कहा भाई इधर से चलते हैं। yes. चलो भाई तो पहुंचते भाई, देखते हैं अपना टायर जो वो मिलता है या नहीं। ले भाई फाइनली पहुंच चुके गाइस बाटा पे भाई, बहुत दिन बाद आए आज तो, है अजीब अजीब सा लग रहा बाटा पर चलो कोई नहीं, इधर सामने तो ऑटो गाड़ी बहुत आ रहे भाई, हमें थोड़ा कम है, ऑफ रोड चलना पड़ेगा, ऑन रोड सॉरी ऑफ रोड नहीं रॉन्ग साइड। गाड़ी कितनी खड़ी है यहाँ पे, हमें कहीं पे जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, संजू कह रहा बाटा पे तरक्की होगी क्या। तो भाई वो जो टायर था ना जिसकी मैं डिमांड कर रहा था वो तो मिल नहीं रहा है, एक तो ये इनके पास राल होगा
और एक भाई साइड में ट्रैक्टर की गुड्डी कटा। ट्रैक्टर ये ले लूं है? चला तो लिया पर भाई ऑफ रोडिंग के लिए तगड़ा है टायर भी, सच बता रहा हूँ। नहीं वो अलग चीज है, ये अलग। अगर स्पेशल हम अगर ऑफ रोडिंग के लिए ले रहे हैं तो ये बहुत तगड़ी चीज है भाई। हाँ ऐसा ही कुछ होता हो, पर इससे छोटी गुड्डी है बहुत, पर इससे बड़ी बड़ी होती है। क्या करे इसका तो भाई, एक बार ना सरदार जी कॉल करके पूछ रहे हैं टायर ये मिल जाएगा हमको नहीं मिलेगा। तो टायर तो भाई इन पे सारे ना बहुत सारे काफी टायर है, और जो टायर था ना वो जिसकी मैं बात कर रहा था वो मैंने दिखाया भी है, वो कह रहे हैं कि ये ना कोई गिरवाता नहीं है तो कम मंगाते इसलिए। तो अब मैं पूछ रहा हूँ भाई कि वैसे वो मिल तो जाएगा टायर, ये मंगा तो देंगे, पर ये पूछ रहे कि वो 190 में आता है, क्योंकि 190 अगर वो मिल जाएगा ना भाई, 190 ज़्यादा बेटर रहता है, उसमें पीक वगैरह और बाइक ना थोड़ी ताकत वगैरह ज़्यादा लगाती है। क्या भाई जो अपने डीलक्स पूछ, डीलक्स में क्या मारेगा जान तो सही भाई, संजू को पसंद आ रहा है ये वाला टायर, ये वाला। तो भाई अपना बाटा से निकल चुके हैं और सरदार जी कह रहे हैं कि भाई ये जो टायर है ना ये मिल तो जाएगा, पर दिक्कत दो है। एक तो भाई ये 12-13 दिन लगेंगे इसको आने में, ठीक है, और दूसरा ये 190-18 में ना मुश्किल मिलेगा। इसका एक ही साइज आता है वो है 120-80-18, वो चीज़ मेरे को ऑनलाइन भी मिल रही है सेम, पर मैं यहाँ पे आया था भाई इसी चीज़ के लिए। मैंने कहा एक तो 190-18 मिल जाएगा और जैसा भी टायर मिले कोई दिक्कत नहीं, 120 मिलता मैं वो भी ले लेता, पर यहाँ पे वो नहीं मिला भाई, है ना। और वो यहाँ पे भाई मिल भी नहीं सकता क्योंकि वो जो चीज़ होती है ना उसको कोई नहीं डलाता, ठीक है, वो होते हैं स्पेशल ऑफ रोड के लिए, ठीक है। अपना नॉर्मल अगर तुम इसको डलवा लोगे ना बाइक में, बाइक बिल्कुल भी नहीं चला सकते, इतनी ज़्यादा उछलती है ना उससे, बाइक बहुत ज़्यादा उछलती है। एक बार हम अपनी बाइक में डलवाएंगे ना उसे, तुम फिर देखना, तुम्हें फिर पता लगेगा कि वो जो टायर है वो कितना उछालता है बाइक को। तो इस चक्कर में ना भाई उसको कोई लेते नहीं है, तो ये लाते भी नहीं है, वो बिकता बहुत कम है ना।